छोटे बच्चों की मुस्कान बहुत प्यारी लगती है और यह मुस्कान तब और भी प्यारी लगने लगती है जब उनके मुंह में दूध के दांत मोतियों जैसे चमकने लगते हैं। अक्सर देखा गया है कि माता पिता बच्चों के दूध के दांतों को यह सोचकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि वह हमेशा नहीं रहने वाले और जल्द ही टूट जाएंगे। बच्चों के दूध के दांत बहुत ही ज़रूरी हैं। यह खाना चबाने बोलने में तो मदद करते ही हैं, साथ में परमानेंट टीथ को निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। दूध के दांत तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनकी जगह पर परमानेंट टीथ निकलने का सही समय नहीं हो जाता। दूध के 20 दांत होते हैं जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक निकल आते हैं। परमानेंट टीथ 6 साल से 14 तक अलग अलग समय पर आते हैं और लास्ट विजडम टूथ जिसे अकलदाड़ कहते हैं वह 17 से 25 की एज तक निकल आती है। यदि किसी कारण बच्चे के दांत सड़ने से या दुर्घटना के कारण समय से पहले टूट जाते हैं और उस खाली जगह पर परमानेंट टूथ नहीं आ पाता, इसे डिलेड इरप्शन कहते हैं, और कभी उस खाली जगह पर एक के बजाय 2 दांत भी आ सकते हैं जिससे वे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। बच्चों के दूध वाले दांतों की देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि परमानेंट टीथ की। छोटे बच्चे खुद से ठीक से दांतों की सफाई नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों के माता या पिता को उनके दांतों और मसूड़ों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को नियमित रूप से 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से दांत साफ करवाएं। टॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और अन्य मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। यह दांतों में सड़न पैदा करते हैं जिससे कैविटीज़ होती हैं।